लेकिन आज सुबह जब हम परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहे हैं तो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे तो हमारे अध्ययन का आज सुबह शीर्षक है कि आगे बढ़ना है हमें आगे बढ़ना है हम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक तो आ गए हैं लेकिन इस नए साल के लिए हमें और आगे बढ़ना है और हम कैसे बढ़ सकते हैं हम क्या कर सकते हैं है ना और पॉलूस हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है अपनी पत्रियों में बताता है लेकिन आज सुबह मैं उसकी एक पत्री आपके साथ खोलना चाहती हूं जहां वो हमको <coughs> सिखा रहा है जहां वो हमको बता रहा है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं हाउ कैन वी स्ट्रेन फॉरवर्ड पॉल टेलिंग अबाउट हाउ कैन वी स्ट्रेन फॉरवर्ड मतलब हम बस आगे ही अपनी दृष्टि रखना है हमको और आज सुबह जब हम नए साल की ओर प्रवेश करने के लिए तैयारियों में हैं जब आज शाम के समय जो न्यू ईयर ईव होती है वो सबसे ज़्यादा खुशनुमा होती है लोग सबसे ज़्यादा उसको उसका मज़ा लेना चाहते हैं उसको पूरी तरह से जीना चाहते हैं और जब हम उसके लिए अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार कर रहे हैं पॉलुस हमें बता रहा है कि हम इस नए साल के लिए कैसे आगे बढ़ें कैसे हम क्या कर सकते हैं इसलिए मेरे साथ अपनी बाइबलों को पलट ले फिलिपस फिलिपियों की पत्री फिलिपियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय उसका चौदह और पंद्रह फिलिपियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय उसका हम पढ़ना पढ़ना मैं पढ़ना चाहूंगी बारह तेरह और चौदह और हमारे अध्ययन का जो आज जो मुख्य जो पद है वो है तेरह और चौदह हम तेरह और चौदह पे ध्यान देंगे लेकिन मैं आपके सामने बारह से पढ़ना शुरू करना चाहती हूं यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं ध्यान से समझने की कोशिश करें पॉलूसिया क्या कहना चाह रहा है यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं पर उस पदार्थ को पाने के लिए या पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था जब हम बारहवें पद को पढ़ना शुरू करते हैं और यहां पे तेरहवें पद में लिखा है हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जिन बातों को जिन जिन बात यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता रहूं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मसी यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है तो जब हम यहाँ बारहवें पद में शुरू करते हैं तो यहाँ लिखा है मेरी ये मतलब नहीं है मेरा पॉलुस कह रहा है कि मैं पा चुका हूँ मतलब पॉलुस ये कहना चाह रहा है वो महसूस करता है वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ चुका है कि वो अपने जीवन में ये क्षमता नहीं रखता है कि वो सब कुछ पा चुका है लेकिन जब वो ऐसा कह रहा है कि मैं सब कुछ पा नहीं चुका हूं इसका मतलब ये नहीं कि वो बहाना बना रहा है कि मैं उसको पाना नहीं चाहता हूं आप समझ रहे हैं कई बार हमारे साथ ऐसा होता है मैं शायद जा नहीं पाऊंगा हम बोलते हैं जब हम बोलते हैं कि आप आराधना में आ रहे हैं क्या हम तो क्या बोलते हैं शायद मैं आ नहीं पाऊंगा इसका मतलब क्या लगता है आपको आपको यह लगता है शायद आने का मन नहीं है इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं कि शायद मतलब बीच की बात है आप उसका कारण नहीं बता रहे हैं क्या आप क्यों नहीं आ पाएंगे लेकिन आप क्या कह रहे हैं मैं आ नहीं सकता वैसी पॉलुस यहाँ कह रहा है यह मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूं मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको पूरी रीति से जान लिया है आज सुबह हम मसीह को जानने की बात कर रहे हैं आज सुबह हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं लेकिन मेरा अध्ययन जो है वो तेरहवें और चौदहवें पद में है लेकिन मैं बारहवें पद से शुरू करना चाहती थी ये समझाने के लिए कि पॉलुस यहाँ फिलिपियो की कलीसिया को क्या बताना चाह रहा है अब वो अपने अंदर महसूस करता है कि मैं उसको पा नहीं चुका हूँ लेकिन वो बहाना नहीं बना रहा है कि वो उसको जानता नहीं है पर उस पदार्थ को पकड़ने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ जहाँ जब यहाँ पर दौड़ा चला जाने की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक इब्रानी शब्द एक यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है डोयको डोयको का मतलब होता है सताना मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसका क्या मतलब है वो क्यों इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा है तो जब वो ये कह रहा है कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ वो ये कहना चाह रहा है कि मैं जो हूँ आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ मैं उसको बहुत तीव्रता से उस गति में जिस गति में मैं पकड़ा ना जाऊँ उस गति में दौड़ना चाहता हूं या मैं उस दिल निश्चय के साथ बहुत जल्दी से आगे की ओर दौड़ना चाहता हूं पॉलुस कह रहा है मैं आपको फिर स्मरण दिलाना चाहती हूं हम एक नए साल में प्रवेश करने की बात कर रहे हैं और यहां पॉलूस कह रहा है कि मैं जो हूं उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं क्या आपके पास कोई चीज़ है जिसके लिए आप दौड़ेंगे क्या ऐसे कोई लक्ष्य है आपके जीवन में जिसके लिए जिसके लिए आप दौड़ना चाहते हैं जिसके लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं कोई ऐसे सपने हैं आपके पारिवारिक जीवन के कोई ऐसे सपने हैं आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए जिसके लिए आप दौड़ना चाहते हैं या पॉलूस कह रहा है एक पदार्थ है मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगी कि वो कौन सा पदार्थ है जो पोलूस यहां पर जिसकी बात कर रहा है लेकिन पोलूस कह रहा है मैं दौड़ता चला जाता हूं और उसकी दौड़ जो है वो धीमी दौड़ नहीं है उसकी दौड़ में वो कोई लक्ष्य के साथ दौड़ रहा है और जब वो इस दौड़ के बारे में बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है कि, कि किसी चीज का वो पीछा कर रहा है उसकी दौड़ सिर्फ खाली ऐसी नहीं है लेकिन वो किसी चीज़ का पीछा कर रहा है आप लोगों ने देखा है जब कुत्ते दौड़ते हैं तो जब वो किसी का पीछा कर लेते हैं पकड़ लेते हैं तो वो क्या करते हैं वो दौड़ते ही चले जाते हैं दौड़ते ही चले जाते हैं जब वो किसी का पीछा कर लेते हैं हमको डर लगता है है ना हमको ये लगता है कि वो हमको काटने के लिए आ रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में मुझे नहीं पता उनको कैसी एक समझ है कि जब कोई गाड़ी स्पीड में दौड़ रही होती है वो उतनी स्पीड में उस गाड़ी का पीछा करते हैं उतनी तेज़ गति में दौड़ते हैं तो पॉलुस यहां पर ऐसे नहीं दौड़ रहा है लेकिन पॉलुस के आगे कुछ है वो मैं आपको बताऊंगी कौन है और हम सब जानते हैं वो कौन है वो किसी के पीछे दौड़ रहा है किसी का पीछा करके दौड़ रहा है और आपको पता है कि उसके अंदर वो जो एक जलन है ना जो एक मन है दौड़ने का वो कैसा मन है यह डिओको ये जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है सताना जिस तीव्रता से जिस शक्ति के साथ वो मसीह कलीसिया को सता रहा था उसी तीव्रता से वो अब यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहा है यहां पर ये यह जो ग्रीक व शब्द का अनुवाद हुआ है डियोको डियोको का मतलब है सताना वही शब्द यहाँ पर पोलुस अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है कि मैं उसी गति से दौड़ रहा हूँ क्योंकि पोलूस जो है वो कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति था वो मसीह का सताने वाला कहलाया गया और जिस तरह से उसको एक धुन थी कि मुझको लोगों को सताना है उसने बहुत सा ऐसा कार्य किया जो सही नहीं था और अब जब वो मसीह में आ गया है जब वो यीशु में आ गया है तो वो उसी ही लगन के साथ जिस लगन से वो कलीसियाओं को सताता था उसी लगन के साथ अब वो येशु के पीछे दौड़ना चाहता है और आगे कौन सा वो पदार्थ है देखिए क्या लिखा है जिसके लिए मसी यीशु ने मुझे पकड़ा था तो पहले तो उसको किसने पकड़ा था मसीह ने पकड़ा था अब वो किसको पकड़ रहा है वो पदार्थ जो प्रभु यीशु मसीह है उसको पकड़ना चाहता है तो यहां पर जब वो कह रहा है कि मैं दौड़ रहा हूं मैं उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं जिसने मुझे पकड़ लिया है कलिसिया आज आप सुबह के समय परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको पकड़ लिया था किसी दिन आपको उसने पकड़ लिया था इसी कारण से आप यहाँ हैं उसने तुम्हें पहले चुना है मैंने तुम्हें नहीं चुना लेकिन तुमने मुझे पहले चुना वचन में ऐसा लिख रखा है तो उसने आपको पकड़ लिया अब पॉल को क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ लिया है अब वो उसको पकड़ने की ओर लगा है और उसकी लगन में लगा है और तेरवे पद में ऐसे लिखा है हे भाइयों मैं कहना चाहती हूं हे बहनों भी मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं पॉलुस अपने बारे में फिर दोबारा इस बात को कह रहा है वो ग्रीक अनुवाद यहां पर फिर से आता है मेरी भावना ये नहीं है जब यहां पर पॉलुस कह रहा है मेरी भावना तो पॉलुस ये कहना चाह रहा है कि मेरी समझ ये नहीं है मेरे जो मैं जो महसूस करता हूं वो ये बात नहीं है भावना सिर्फ उसके अंदर की भावना नहीं लेकिन भावना मतलब उसकी बुद्धि से है मतलब मैं ये समझ नहीं रखता मेरा यह अनुभव नहीं रहा है कि मैं उसको पकड़ चुका हूं तो बारहवें पद में जब वो शब्द आया है पकड़ना यीशु ने मुझे पकड़ा है पकड़ा है वो कहता है और अब जब वो तेरहवें पद में कहता है कि मैं पकड़ चुका ये नहीं कि मेरी मैं पकड़ चुका हूं तो यहां पर दो अलग अलग बातें हैं बारहवें पद में वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया है अब तेरहवें पद में वो कह रहा है मैं ये भावना नहीं रखता कि मैं पकड़ चुका हूं तो यहां पर दो अलग अलग भिन्नताएं हैं इस पकड़ने के बारे में जब यहां पर जब मैं ग्रीक अनुवाद में देख रही थी तो वहां पर ऐसी बात है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ा है वो पकड़ना पता कैसा है वो पकड़ना ऐसा है कि वो कभी फिर दोबारा छोड़ेगा नहीं ग्रीक अनुवाद कहता है उसका मतलब है कैटलैम्बोना कैटलैम्बोनो मतलब उसका मतलब यह है जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को पकड़ लिया है तो ग्रीक अनुवाद कहता है उसने अब ऐसा पकड़ा है कि वो फिर दोबारा उसको छोड़ेगा नहीं और दूसरी बात इसका मतलब यह भी है कि उसने बहुत सोच समझ के पकड़ा है पौलुस को पौलुस कहना चाहता है और उसने इस तरह से पकड़ा है कि वो पौलुस को जीतना चाहता था मतलब जब प्रभु यीशु मसीह हमको पकड़ लेता है तो वो बहुत सोच समझ के पकड़ता है मित्रों वो इस तरह से आपको पकड़ता है कि वो आपको जीतना चाहता है आप समझ रहे हो हम बोलते हैं ना कई बार तुमने मेरे दिल जीत लिया बोलते हैं ना लेकिन कितने समय के लिए होता है वो क्षण भर के लिए होता है ना वो कुछ उन्होंने कुछ किया होता है इसलिए दिल जीत लिया होता है लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पकड़ने के बारे में यह ग्रीक अनुवाद कहता है कि उसने ऐसा पकड़ लिया है कि फिर दोबारा छोड़ेगा नहीं तो पॉलुस ये कह रहा है जिस तरह से यीशु ने मुझे पकड़ लिया है बारहवें पद में जैसे लिखा है उस तरह से अभी तक मैंने नहीं पकड़ा है उसको पॉलुस तेरहवें पद में बताना चाह रहा है मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं मतलब पॉलिस ये कह रहा है कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ जिस तरह से वो दमिश्क के रास्ते में जब मसीह के साथ मेरा आमना सामना हुआ था जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे पूर्ण रीति से बदल दिया था उस तरह से मैं अपनी तरफ से वो एनकाउंटर नहीं हुआ है मेरा मैं अभी तक उस तरह से पकड़ा नहीं हूँ प्रभु येशु मसीह को और इस साल को प्रवेश करने से पहले इस नए साल में आप कुछ घंटों में प्रवेश करने जा रहे हैं हम सब मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को उसी तरह से पकड़ा है जैसे उसने आपको पकड़ा है ना तो उसने कोई गलती नहीं करी है जब उसने आपको पकड़ा है तो उसने आपके दिल जीतने के लिए पकड़ा है आपको जब उसने आपको पकड़ लिया है तो ऐसा पकड़ा है कि वो दोबारा कभी आपको छोड़ेगा नहीं शक करना तो हमारी परेशानी है परमेश्वर पे प्रश्न उठाना तो हमारी समस्या है हमको डर लगता है कि यीशु ने हमें छोड़ तो नहीं दिया जब समस्याएं आती हैं वो हमारी समस्या है लेकिन यहां जब बाइबिल का अनुवाद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पॉलुस जब कह रहा है उस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया है वो कहना चाह रहा है उसने मुझे ऐसा पकड़ लिया कि मुझे छोड़ेगा नहीं इस नए साल में कल आई उस को ऐसा पकड़ लें कि आप उसको दोबारा छोड़े ना आप उसको ऐसा पकड़ लें कि आप उसका दिल जीत लें आप उसको ऐसा पकड़ लें कि आप महसूस करें मैंने कोई गलती नहीं की है हां शायद हमारे पड़ोसी हमसे बोले तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देकर हां शायद हमारे परिवार में जो लोग विश्वास नहीं करते वो कहेंगे क्या मूर्खता की है जब से प्रभु यीशु मसीह को तुमने जीवन दिया तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं बीमारियां ही बीमारियां हैं तुम तो हमेशा रोते ही रहते हो बोलने दे जो बोल रहे हैं क्योंकि आपने अगर यीशु मसीह को पकड़ लिया आपने कोई अपने जीवन में गलती नहीं की है विश्वास करते हैं इस बात को पॉलुस कहता है मैं पकड़ना चाहता हूं मैं उसको पकड़ने की ओर लगा हूं और फिर देखिए वो आगे उस, उसी तेरवे पद को हम पढ़ रहे हैं फिर आगे वो कहता है कि पकड़ चुका हूं परंतु केवल यह एक काम करता हूं एक काम करता हूं पॉलुस कह रहा है बस एक काम करता हूं और वो अपना दिमाग बस एक चीज की ओर रख रहा है और कलेशिया इस साल के लिए मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कुछ इन बिंदुओं को लिख ले अपने लिए कृपया करके आज सुबह मैं अनुरोध करती हूँ मैं भी जब अध्ययन कर रही थी तो ये नहीं कि मैं समझ चुकी थी सब बातों को मैंने भी अध्ययन किया मैंने भी समझा तो वो एक बात के पीछे दौड़ रहा है और इस साल हमारे जीवन में भी बस एक एक बात होनी है और वो यहां ऐसे कह रहा है परंतु केवल ये एक काम करता हूं और यहां दाऊद के बारे में भी अगर हम देखें तो भजन सेहता 27 के चार में क्या कहता है एक वर मैंने यह से मांगा है एक वर हमारे जीवन में ऐसे नहीं कि हमारे पास दस चीजें होनी चाहिए हैं जीजस शुड नॉट बी एन ऑप्शन फॉर अस। ही शुड नॉट बी समबडी हुम यू कीप एज एज एन ऑप्शन प्रभु मसीह हमारे जीवन में चुनाव रखने के लिए नहीं होना चाहिए लेकिन बस वो एक चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए जिसका पीछा हमें करना है परंतु केवल एक काम मैं करता हूं क्या काम पौलुस करता दाऊद कहता है, एक वर मैंने यो से मांगा है उसी के यत्न में लगा रहूंगा उसके ही यत्न में लगा रहूंगा आई विल्स दैट वन थिंग दैट आई है एक चीज के लिए तो उसका दिमाग जो है ना वो भटका हुआ नहीं है वो असमंजसता में नहीं है वो कंफ्यूज नहीं है कभी कभी कलीसिया में आने के लिए हम ऐसा करते हैं जाऊं क्या कलिसिया जाऊं आज एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने भी मुझे बुलाया था वहां जाऊं। Uh, ये जो मेरे पास थोड़ा सा दान मेरे पैसा जो मेरा सैलरी का मैंने रखा था क्या मैं चर्च में दे दूँ प्रभु के काम के लिए या क्या मैं इससे मुझे वो फर्नीचर खरीदना था क्या मैं फर्नीचर खरीद लूँ आप समझ रहे हैं हमारे जीवन में क्या होता है असमंजसता डालता है शैतान लेकिन यह पॉलूस कह रहा है बस एक काम मैं करता हूं और इस साल अपने जीवन से हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा असमंजसता की बातें दूर हो जाएं क्या मैं कॉटेज मीटिंग में जाऊं क्या मैं उपवास रखूं क्या मैं प्रार्थना करूं या मैं इस समय ये वाला काम कर लूं परमेश्वर इस, इस साल हमारे जीवन से इस असमंजसता को दूर करें अपने जीवन में एक वर रखें एक वर मैंने युवा से मांगा है दाऊद कहता है बॉलूस कहता है बस एक काम मैं करता हूं और आपके जीवन में बस वो एक प्रभु यशु मसीह होना चाहिए इस साल आप लोग सब अपने जीवन में इस चीज के लिए तैयार हैं कि प्रभु मसीह यू विल बी माई प्रायोरिटी यू विल बी माई फर्स्ट प्लेस इन लाइफ I'll keep यू एट द टॉप प्रभु मसीह में सबसे तुझे ऊंचा रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं मैं वहां तक पहुंच जाऊं फिर आगे क्या लिखा है हम देखते हैं कि उसके पीछे क्या एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की ओर बढ़ता चला जाऊं ये बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है इस इकतीस तारीख में कि क्या करना है हमको जो बातें पीछे रह गई हैं उन चीजों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है और हम यहां बात कर रहे हैं दौड़ के बारे में है ना थोड़े समय पहले मैंने आपके लिए वो शब्द इस्तेमाल किया दौड़ यहाँ पॉलूस जो है लोगों को रूपक के रूप में दौड़ के बारे में बता रहा है हा वो एक दौड़ का इस्तेमाल कर दौड़ने वाले के बारे में बता रहा है तो वो कह रहा है कि तुम ऐसे दौड़ो कि क्या करो पिछली बातों को भूल आगे की ओर दौड़ो तो आप एक इंसान एक व्यक्ति जो दौड़ में दौड़ रहा है अगर वो पीछे मुड़ के दौड़ेगा तो क्या करेगा क्या होगा उसके साथ वो गिर जाएगा हार जाएगा निराश हो जाएगा कुछ भी नहीं पाएगा अपने जीवन में तो पॉलुस यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मैं एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन बातों को भूलकर। अब ये पॉलुस नहीं कह रहा है यहां पर कि उन बातों को भूलकर मतलब कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई यहां मेमोरी लॉस के बारे में पोलूस नहीं कह रहा लेकिन पोलुस ये बात कह रहा है कि मैं उन बातों को नहीं सोचूंगा मैं उन बातों को भूल जाऊंगा तो देखो पहले वो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है शब्द भावना फिर अब वो यूज कर रहा है इस्तेमाल कर रहा है उस शब्द का भूलना है ना वो ऐसी भावना रखता है उसकी भावना क्या है कि वो एक काम करता है कि वो पिछली बातों को याद नहीं करना चाहता है और यहां पर जब पॉलुस कह रहा है कि वो पिछली बातों को भूल कर आगे की ओर जाना चाहता है तो वो ये कहना नहीं चाह रहा है कि मैं उन चीजों को भूल जाऊंगा जो मेरे साथ हुई थी वो हार वो निराशा वो शर्मिंदगी जो पोलुस ने सही वो दर्द न? जो बातें उसने अपने जीवन में सही पॉलुस ये नहीं कह रहा कि उन बातों को मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा लेकिन पोलुस यहां पर यह कहना चाह रहा है मैं चुनाव करता हूं कि मैं उन बातों को याद नहीं करूंगा उन बातों को मैं याद करना नहीं चाहता मैं अपने भूतकाल की ओर नहीं मुड़ूंगा आज सुबह हमारा शीर्षक है वचन का आगे बढ़ना आप आगे नहीं बढ़ सकते मित्रों जब तक आप पीछे की बातों को छोड़ेंगे नहीं वो भावनाएं जो आपकी पीछे की चीजें जो जुड़ी हैं वो आपके दिमाग को ऐसे नियंत्रण करना चाहती हैं कि आपको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी तो पॉलस कह रहा बस मैं एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उससे मुझे मतलब नहीं है चला गया चला गया जो खो दिया मैंने खो दिया ठीक है ये नहीं है बात कि आपने जो खोया है उसके लिए दुख नहीं है जो आपने हार अनुभव करी उसके लिए हमें कोई दर्द नहीं है जो आपके आंसू भय उसकी हमें कोई कीमत नहीं है पोलस कह रहा है हाँ जो चीज़ें भूल गया उसके लिए हमको चुनाव करना है उसके लिए मुझे चुनाव करना है कि मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगी मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं बोलूंगी मैं उन चीज़ों के लिए अपना समय नहीं गवाऊंगी कली से आज सुबह ये हमारे लिए चुनाव है कि क्या हम ऐसे करने जा रहे हैं तो हमने एक चीज़ की बात करी हमने बात करी कि हम उन पीछे की ओर नहीं मुड़ेंगे आज हमारे ऊपर भी ये एक एक चुनौती है कि क्या हम उन बातों को जो हमारे जीवन में पीछे रह गई जो छूट गई उनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हैं आज सुबह शायद वो चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं वो हमें कमज़ोर करती हैं हमें डराती हैं हमको ऐसा महसूस कराती है शायद दोबारा हमारे साथ वैसी हो जाए हमको उन चीजों की याद आती है लेकिन पोलूस कहता है पॉलुस भी मनुष्य था मित्रों पोलूस स्वर्ग से नहीं था स्वर्ग दूत नहीं था वो वो भी शरीर में था लेकिन पोलूस कहता है मैं एक काम करता हूं जो बातें पीछे छूट गई हैं उन बातों को पीछे छोड़कर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं तो जब पॉलूस करता कर सकता है क्या हम नहीं कर सकते हम कर सकते हैं इस नए साल में प्रवेश करने से पहले जब आज आप रात में प्रार्थना के लिए बैठे मैं उत्साहित करना चाहती हूँ सब लोग 12 बजने से पहले आइए मिलकर समय बिताएं परमेश्वर से बोले परमेश्वर मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरे वो जो दुख थे मैं भूल चुका हूँ जो लोगों ने मेरे ऊपर जो चोट मुझे पहुँचाई मैं उसको भूल चुका हूँ लेकिन हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं जानता हूँ तू मुझको सामर्थ्य देगा कि मैं उन चीजों को भूल सकू प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ्य देगा क्योंकि पॉलुस कहता है दूसरे पत्री में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं तो वही ध्यान उसी बात को ध्यान में रखते हुए पॉलुस यहाँ कह रहा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा जो पिछली बातें बीत गई हैं उसको भूलकर मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं तो जब पॉलूस यहां ऐसा कह रहा है आगे की बातों की ओर बढ़ना चाहता हूं तो यहां पर पोलूस अपने जीवन का समर्पण कर रहा है अपने जीवन को परमेश्वर के सामने एक बार फिर से नम्र दीन कर रहा है वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे चरणों में अपने आप को दीन करता हूं मैं अपने, अपने तेरे चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु तू मुझे आगे बढ़ने के लिए शक्ति दे और जब वो ऐसा कह रहा है ना कि मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं तो वो यहां पर ये नहीं कह रहा कि मैं आलसी हो जाऊंगा कि मैं किसी चीज़ में देरी करूंगा कि मैं कोई बहाने लूंगा आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं मैं बहुत गहरी एक अध्ययन में जा चुकी हूं मुझे पता है मैं इसको साधारण भी कर सकती थी लेकिन मैं पॉलुस के दिमाग को समझना चाहती थी कि पोलस ने इस तेरह और चौदह पद में इतनी सरलता से कह दिया कि मैं पीछे की ओर नहीं आगे की ओर जाना चाहता हूं कैसे वो पोलूस ऐसा कर सकता है लेकिन बहुत सी गहरी बातें जब आप अपने जीवन में आज इस आराधना में बैठकर ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं पीछे की बातों को छोड़कर इस नए साल में आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ तो कलीसिया ये हमारा समर्पण होगा ये हमारे मुंह का अंगीकार होगा ये हमारा एक निर्णय होगा जो हम लेंगे मैं तैयार हूँ मैं आराधना में बहुत आशीषित हुई आज और वो वो गीत ऐसे कहता है कि अ, अ, मेरा अतीत बीत गया मुझको अजीज़ मिल गया सब कुछ हो गया नया मेरा अतीत बीत गया हम लोग कई बार ऐसी गाते लेकिन हम समझ नहीं पाते वो गीत हमसे कहता है मेरा अतीत बीत गया शायद बीता नहीं है लेकिन आज सुबह हमें निर्णय लेना है प्रभु यीशु मसीह मेरा अतीत मुझे पता है मुझे बहुत सता रहा है मेरे पीछे पीछे लगा रहता है रात में नींद नहीं आती हमेशा मुझे डराता है मेरे आंसू निकलने लगे हैं मेरे मुझे घबराहट होती है मुझे हाइपर एंगजाइटी हो रही है मैं बहुत सी डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा हूँ मुझे ये बहुत सताता है मेरा पीछा कर रहा है मेरा पास्ट लेकिन आज सुबह मैं निर्णय लेता हूँ तेरे चरणों में और उसके लिए आपको सामर्थ्य देने के लिए पोलूस ही कहता है पॉलूस ही कहता है कि मसीह में तुम सब कुछ कर सकते हो और फिर वो आपसे आगे बढ़ने के लिए कहता है तो जब वो आगे बढ़ने के लिए कहता है और वो जब एक दौड़ के बारे में यहां बात कर रहा है तो आपको अगर आपको याद है मुझे नहीं पता जो दौड़ में दौड़ते हैं वो कैसे करते हैं वो अपने शरीर को आगे की तरफ रखते हैं अपना पैर पीछे की तरफ कर कर नीचे बैठ कर और आगे की तरफ अपने आप को करते हैं और पता है कहाँ देखते हैं इधर नहीं देखते उधर नहीं देखते नीचे नहीं देखते कहाँ देखते हैं सिर्फ लक्ष्य की ओर चाहे वो 400 मीटर है चाहे वो 800 मीटर है चाहे वो पूरे तनी कितने मीटर लेकिन नजर उस लक्ष्य की ओर है और जब वो कह रहा है आगे की ओर तो वो ये कहना चाह रहा है उसने अपना शरीर इतना ज्यादा खींच लिया है कि उसकी उस नजर अब आगे की ओर है मतलब पोलूस यहां कह रहा है मैं प्रयत्न करता हूं आपके लिए संभव नहीं है कि आप भूतकाल को भूल जाए लेकिन आपको क्या करना है इस साल में प्रयत्न करना है कोशिश करनी है अपने शरीर को आपको ऐसे लगा देना है बस वहां पर खींच कर स्ट्रेच आउट यहां पर पॉलूस जब कह रहा है कि मैं आगे की ओर तो वो कह रहा है स्ट्रेच आउट वो अपने शरीर को ऐसे रखा है कि बस लक्ष्य की ओर देख रहा है और आज सुबह आपका लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए अगर आपकी नजरें प्रभु यीशु मसीह की ओर गड़ी हैं तो चाहे वो 400 मीटर है चाहे वो 800 मीटर है आप ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे ना आप आगे देखेंगे ना आप ये देखकर डरेंगे कि आपके साथ वाला कितना गोल्ड मेडल जीता है ना आपको इसका डर लगेगा कि कितने प्रोफेशनल एथलीट्स आपके साथ दौड़ रहे हैं आप क्या करेंगे उस लक्ष्य की ओर आपको बस एक लगन हो गई है आपको एक जुनून है आपके अंदर एक ऐसी इच्छा है मुझे तो जीतना है अगर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होगी तो आप क्या करेंगे प्रयत्न करेंगे और अपने आप आपकी अपने अपने आप को आप आगे की ओर बढ़ाएंगे देखिए चौदह पद में क्या लिखा है पौलुस कहा किसकी ओर बढ़ रहा है पहले वो कह रहा है आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं अब चौदह पद में वो कह रहा है निशाने की ओर दौड़ना चाहता हूं तो पहले तो वो बढ़ रहा था अब देखो उसकी गति बढ़ गई पहले तो वो बढ़ रहा था अब क्या है वो दौड़ना चाहता है पता हूं क्यों वो दौड़ना चाहता है क्योंकि उसको पता है उसे क्या पाना है अगर इस साल में आपको पता है आपको किसको पाना है आप चलेंगे नहीं आप श्रमित नहीं होंगे आप थकेंगे नहीं आप दौड़ेंगे आप दौड़ेंगे क्योंकि आपका लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है। एक वर मैंने यह मांगा है उसी के यत्न में लगा रहूंगा और आगे क्या लिखता है वो कि मैं उसको पाऊं ताकि मैं उस मसीह यीशु को पाऊं है ना तो जब हम ऐसे करेंगे तो हम उस दौड़ में थकेंगे नहीं हम निराश नहीं होंगे शायद हमारे साथ वाले जो बहुत अच्छे हैं बहुत गुणी हैं शायद वो हमसे आगे निकल गए होंगे मुझे लगता है आप में से सब लोग बहुत अच्छे से कहीं दौड़ने वालों को जानते होंगे उन उनके बारे में सोच लें आप शायद वो आपसे आगे निकल गए हैं चिंता मत करिए उनको देख कर अपने आप को आप आप कमज़ोर मत महसूस करना लेकिन आपने अपनी नजर किसी की ओर नहीं रखनी आपने अपनी नज़रें सिर्फ उस लक्ष्य की ओर रखनी है जो प्रभु यीशु मसीह हमारा है क्या आप इस दौड़ में जीतना चाहते हैं मेरा प्रश्न आपसे यह है क्या आप चाहते हैं कि आप इस दौड़ में हार ना जाएँ आप इस दौड़ में पीछे ना छूट जाएँ जो लोग पीछे छूट जाते हैं उन्हें शर्म लगती है ना उनको बड़ा अजीब सा लगता है ना मन में मैं उनके बारे में भी सोच रही थी जो पीछे छूट जाते हैं लेकिन मैं आपको बताऊं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वो तुम्हें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा वो तुम्हारे मुंह को चमकाएगा वो अपना प्रकाश तुम्हारे ऊपर चमकाएगा वो आपको आप दौड़ के तो देखो लेकिन आपका लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए जब आप कलीसिया में आते हैं ना आपका लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए प्रभु मुझे आज सुबह बता रहा था कि कलीसिया में बहुत सबों को बहुत जरूरत है कि जब वो कलीसिया में आराधना करते हैं ना उनका लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए इसलिए मैंने पिछले दिनों में जब प्रभु का वचन बांटा था तो मैंने कहा था उसकी खोज करना तो वचन में लिखा है सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी तो जब आप प्रभु के लिए दौड़ रहे हैं ना तो लक्ष्य प्रभु होना है आपका लक्ष्य ये नहीं मुझे नया घर मिल जाए लक्ष्य ये नहीं मेरे लोन पास हो जाए लक्ष्य ये नहीं मुझे नई कार मिल जाए लक्ष्य ये नहीं कि मेरा बच्चा बाहर चला जाए उसको अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाए लक्ष्य वो नहीं आपका आपके जीवन का लक्ष्य इस संसार का नहीं होना है इसलिए पॉलुस कहता है मैं अपनी नजरें स्वर्ग की ओर लगाता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो पॉलुस कहता है Amen. इस साल में अपनी नजरों को बस आपके जीवन का एक लक्ष्य हो जब मैं आपसे मिलूं जब हम आपके घर में विजिट करें मैं चाहती हूं मेरे मेरे खलिसिया के लोग हमसे बोले प्रभु यीशु मसीह सिस्टर बस यीशु मेरा लक्ष्य है आप किसको प्यार करते यीशु को मैं प्यार करता हूं आप किसके लिए क्या करना चाहते हैं मैं यीशु के लिए करना चाहता हूँ आखिरी गीत में हमने सुना ना बस यीशु यीशु नाम में यीशु नाम में तो पोलुस यहाँ पर यही कहना चाहता है कि वो निशाना वो निशाना कौन है पोलुष के लिए प्रभु यीशु मसीह है। फिर देखिए क्या लिखा है ताकि उस इनाम को पाऊं जिसके लिए इनाम को पाने की यहाँ पोलुष बात कर रहा है कि वो इनाम को पाना चाहता है और वो इनाम ऐसा इनाम नहीं है जो 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 जिसकी कीमत बहुत हल्की सी है और यहाँ पर उस इनाम के बारे में बताया भी नहीं गया है कि वो कौन सा इनाम है लेकिन वो एक ऐसा इनाम है जो प्रभु यीशु मसीह जब जब पॉलुस यहां कह रहा है उस इनाम के बारे में तो वो ये नहीं कह रहा है कि वो पुरस्कार पाना चाहता है या वो उस दौड़ को खत्म करना चाहता है लेकिन उस दौड़ को अच्छे से पूरी करने की बात कर रहा है मतलब जब पॉलुस ये कह रहा है कि मैं उस इनाम को पाना चाहता हूं तो वो जीतने के बारे में नहीं कह रहा कि वो फर्स्ट प्लेस में आ जाए और टॉप में खड़ा हो जाए और सब ताली बजाएं मैं फर्स्ट आ गया फर्स्ट आ गया पॉलुस ये नहीं कह रहा लेकिन पोलूस यहाँ कलिसिया को कह रहा है कि तुम ऐसे करो कि तुम इनाम इनाम पाओ मतलब यू फिनिश वेल तुम खत्म करो अपनी दौड़ को है ना इसलिए दूसरा तिमतीस उसके चार के साथ और आठ में क्या लिखा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है पोलूस कह रहा है मैंने विश्वास की रखवाली की है इस साल अपने विश्वास की रखवाली करें जो प्रभु यीशु मसीह में आपने विश्वास को पाया है उद्धार पाया है सब लोग मिलकर अपने विश्वास की रखवाली करें प्रोटेक्ट योर फेथ कीप इट सेफ उसको जैसे आप अपने सोने को रखते हैं ना अपनी बेशकीमत चीजों को रखते हैं अपने विश्वास की ऐसी रक्षा करें क्योंकि आपको विश्वास को चोरी करने वाले बहुत से लोग हैं आपके दोस्त हैं आपके अपने लोग हैं ऐसी संगतियों में ना जाए जहां आपका विश्वास की चोरी हो जाए तो पॉलोस कह रहा है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है फिर आठवें पद में क्या लिखा है भविष्य के लिए मैं धा ताकि मैं भविष्य के लिए मैं धार्मिकता का मुकुट पाऊं जैसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन के लिए देगा जो मुझे वरन उन सबको देगा जो उसके प्रकट होने से प्रेम करते हैं तो वो क्या करेगा सिर्फ अपने लिए ही मुकुट पाने की इच्छा नहीं रखता लेकिन वो उन सब को जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं उनके लिए मुकुट पाने के लिए इच्छा रखता है तो आज सुबह हमारी जो प्राइज है या हमारा जो इनाम है वो पता है क्या है उस आखिरी लाइन में आइए मिलकर उस आखिरी लाइन को देख लें वहां ऐसा लिखा है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है अब ऊपर बुलाया मतलब मरने के लिए नहीं हम लोग हमेशा सोचते हैं ऊपर ऊपर बुलाया मतलब पहुंच इंसान है ना ऐसे बोलते हैं ना ऊपर चले गए ऊपर ऊपर वो वाली ऊपर नहीं उसने बुलाया है मतलब ही हैज उसने बुलाया है कहाँ के लिए ऊपर के लिए ऊपर मतलब उच्च बहुत उच्च उस उच्च बुलाहट के लिए आपको बुलाया है प्रभु यीशु मसीह ने आपको बहुत ऊंची बुलाहट के साथ आपको बुलाया वेरी हाई कॉलिंग ही हैज कॉल्ड यू विद अ वेरी हाई कॉलिंग और वो ऊपर क्या है वो स्वर्ग है उस स्वर्गीय बुलाहट के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है और क्या है एक और चीज है ऊपर अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर बुलाया है तो हमारा इनाम आज सुबह पता है क्या है प्रभु यीशु मसीह में कि वो हमको ऊपर की ओर बुलाएगा जहां पर हम इनाम पाएंगे हम अनंत जीवन पाएंगे हम अपने जीवन के इस उच्च बुलाहट को पाएंगे जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर पाएंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने सेवा करते हैं तो क्या होता है हमको वो बुलाहट मिली है प्रभु यीशु मसीह से क्योंकि वो उससे मिली है इसलिए वो ऊंची एक बुलाहट है और अंत में उसने एक चीज और लिखी है क्या है प्रभु यीशु मसीह में जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसी यीशु में वो एक आखिरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रभु यीशु मसीह में मतलब चौदह पद में निशाने की ओर इनाम पाने की ओर और, और वहां पर वो लिखता है उस बुलाहट को तो तीन चीजें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या है एक तो निशाने की ओर निशाना है पोलूस के सामने है? दूसरी बात इनाम पाना चाहता है वो इनाम भी पाना चाहता है तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह में जो उसे बुलाहट मिली है वो उसको भी पाना चाहता है लेकिन किस में पाना चाहता है प्रभु येशु मसीह में इस साल के लिए प्रभु येशु मसीह ही हमारा समाधान है मुझे नहीं पता प्रभु यीशु मसीह बार-बार बार-बार हमको इस चीज को बताना चाहता है इस नए साल में लेट जीसस बी द सेंटर ऑफ अ न्यू ईयर और नॉट नॉट जस्ट न्यू ईयर मतलब जनवरी नहीं लेकिन आने वाले वर्षों में होने पाए प्रभु यीशु मसीह हमारा केंद्र हो क्योंकि यूहन्ना के चौदह के छह में क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह मार्ग सत्य और जीवन है फिर वो आगे कहते हैं बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जाएगा वो <coughs> हमारे लिए द्वार है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो रास्ता है और हमको सिर्फ हमको ही नहीं उस मार्ग में चलना हमारे साथ जितने लोगों को हम जानते हैं किसी ना किसी माध्यम से आइए ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन लोगों को बताएं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमें इनाम मिलेगा प्रभु यीशु मसीह में हम निशाने की ओर पहुंच जाएंगे प्रभु यीशु मसीह में ही है कि हम अपनी बुलाहट को पूरा करेंगे और अनंत जीवन पाएंगे प्रेरित के काम उसके चार अध्याय के बारहवें पद में ऐसा लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं प्रेरित काम उसके चार के बारह में लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है हले आज सुबह प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें स्मरण दिला रहा है स्वर्ग में और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार मिल सकता है जिसके द्वारा उद्धार मिल सकता है आइए अपने हृदयों को तैयार करें आज सुबह कि प्रभु यीशु मसीह इस नए साल में प्रवेश करने से पहले प्रभु तू मेरे मन को तैयार कर कुछ चीज़ें हैं जो हमको करनी है जल्दी से बोलूँगी जल्दी से बोलूँगी तीन बातें हैं जो हमको बहुत ज़रूरी करनी है हमें संगति में रहना है आइए मिलकर संगति करें प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ संगति करें अपने घर में प्रार्थना के लिए लोगों को उत्साहित करें कि प्रभु के लोग मिलकर आपके घर में आए प्रार्थना करें आ, अपना जीवन परमेश्वर के वचन को पढ़ने में लगाए प्रार्थना करने में लगाए उपवास करें सिर्फ आराधना यहां पर थोड़े समय के लिए नहीं घर में अपने गीतों को लगाकर आराधना करें प्रभु मसीह की पता है इन सब चीजों से क्या होगा आप जो हैं जब आप दौड़ रहे हैं ना तो बहुत सी चीजें आएंगी लेकिन आप बीच में थकेंगे नहीं आप बीच में हार नहीं छोड़ देंगे आप बिल, बिल्कुल बीच में डरेंगे नहीं क्योंकि आपने अपने आप को पूर्ण रीति से तैयार किया हुआ है जो एक दौड़ में दौड़ता व्यक्ति है ना वो सीधे उसी दिन दौड़ता नहीं है जिस दिन उसकी दौड़ होती है वो पहले से तैयारी करता है वो अपने आप को पूरी रीति से तैयारी करता है वो शारीरिक रूप से तैयारी करता है वो पूरी रीति से प्रयत्न करता है और तब उस दिन के लिए तैयार होता है आपकी तैयारी प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना के द्वारा वचन के द्वारा आराधना के द्वारा अपने घरों में संगति के द्वारा ऐसे करने से परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा दूसरी बात आपको आत्मिक रूप से मजबूत होना है आप कैसे आत्मिक रूप से मजबूत होंगे जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे संगति में आएंगे कलीसिया में आएंगे आपको अंदर से मजबूत होना है एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कमजोर है वो दौड़ नहीं सकता लेकिन जब हमारी आत्मा मजबूत होगी तो हम क्या कर पाएंगे हम अच्छे से दौड़ पाएंगे तीसरी एक आखिरी बात बोलना चाहती हूं विश्वास को रखें और मुंह से अंगीकार करें ये ये साल मुंह से अंगीकार करें विश्वास रखें। शायद उस भीड़ में जो बैठकर उस दौड़ में दौड़ने वाले को देखती है शायद वो आपको निराश करेगी शायद आपका अपना कोई नहीं होगा जो आपको बोलेगा दौड़ो 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 हाँ? आपने देखा है कई बार जब लोग दौड़ रहे होते हैं और जब उनके साथ में बैठने वाले वो चेयर लीडर्स जो होते बोलते हैं यस रन भागो तो कितना अच्छा महसूस होता है शायद आपके पास ऐसे लोग नहीं होंगे शायद आपके जीवन में ऐसा समय होगा जहां पे आपको उत्साहित करने वाला कोई नहीं होगा लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं अपनी आंखें प्रभु यश मसीह पर गाड़ कर रखना वो आपको छोड़ेगा नहीं वो आपके साथ रहेगा उसको थाम कर बढ़ते चले जाना और विश्वास रखना कि वो आपके साथ है और मुँह से अंगीकार करना मैं हारूंगा नहीं मैं डरूंगा नहीं मैं श्रमित नहीं होऊंगा, मैं पीछे नहीं छूटूंगा परमेश्वर मेरे साथ है